हमारे जो स्तन है ये एक ऐसा जो पदार्थ हम बोल सकते हैं फिर भोजन गायों के लिए जो उनके लिए बहुत ही स्वस्थ और सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें ऐसे ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो गाय के होने वाली बहुत सारे जैसे कि अभी लंपी वायरस ना कितने वायरस जो हमारे गाँव में गायों के होते हैं उनसे ये प्रोटेक्शन हमको देता है। जैसे कि एक मनुष्य के लिए हम शायद हो सकता है कि टैबलेट ले पर एक गाय के लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा उत्तम जड़ी बूटियों से बना हुआ एक भोजन हम मान सकते हैं जिसके लड्डू बनाए जाते हैं ये गोबर आप सभी से बोलते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं दीक्षा श्री कल्तरु संस्थान से आज गौशाला आए हुए हैं हम और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी सारी गाय हैं, गाय जिसका वर्णन श्री कृष्ण ने भगवद गीता में किया है। उन्होंने कहा है कि मैं पशुओं में गाय हूँ। गाय एक ऐसा प्राणी है जिस जब कोई शिशु छोटा होता है तो उसे यदि माँ का दूध उपलब्ध नहीं होता है तो केवल एक गाय ही ऐसे पशु है जिसका दूध हम उसे पिला सकते हैं और गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक एक शिशु के लिए होता है। इसलिए शायद गाय को हमारी माता का दर्जा दिया है और इसी तरह न केवल गाय बल्कि पृथ्वी के समस्त जीवों को प्यार करें, दुलार करें और इसी तरह उनकी सेवा करते रहें। धन्यवाद।